हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूं, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स, वो सच्ची भावनाएं जो इन्होंने अपने दिल में तो रख रखी है, लेकिन ये पर्सन उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को ना तो आपके सामने लेकर आ रहे हैं ना किसी और के सामने। ठीक है, तो उन सभी चीजों को मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, बस और बस आपको ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। फोकस आप बस और बस अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा, जिनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है आप ये जानना चाह रहे हैं, और साथ में उनका नाम कम से कम 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में ले लीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स, करंट ट्रू एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है। क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशंस, द फूल, इंटेंसिटी एंड बॉटम इज गिल्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स एंड एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए। बताइए लव बिगिंस, होप, इमोशनल विड्रॉल, सॉलिट्यूड एंड बॉटम इज ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है ये। तो व्यूअर, सबसे पहले थोड़ा सा राशियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अभी तक जो राशियां आई हैं उनके बारे में, जैसे यहाँ पे आपका है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये टॉरस, ये स्कॉर्पियो, ये एक्वेरियस हो गया, उसके अलग ही आपका ये भी एक्वेरियस है एंड ये वर्गो। तो ये मुझे काफी स्ट्रांग में राशियां दिखाई दी हैं। ठीक है, नंबर्स डिस्कस करें तो यहाँ पे आपके लिए 3, 1, 8, 9, 13, 4 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखाई दिए। और मंथ के बारे में बात करी जाए तो मार्च, जनवरी, अगस्त, सितंबर, अप्रैल ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे अच्छे वे में हो या बुरे वे में। तो जैसा कि हमारा आज टैरो से ये सवाल है व्यूअर्स, कि ट्रूली ये पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं या कैसी एनर्जी है जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीजें हैं व्यूअर्स की। देखो ये पर्सन ना ट्रूली, अब इनसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि अब तुम सच में ये बताओ, अपने दिल को खोलकर ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो उससे या उसके साथ जुड़े हुए रिश्ते से। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रूली इस रिश्ते को लेकर आज भी अट्रैक्टेड हैं, आज भी इन्हें यही उम्मीद है या ये यही उम्मीद रखना चाहते हैं, बांधना चाह रहे हैं कि इसी रिश्ते में जो भी आप दोनों के दरमियान है, इसी रिश्ते में ट्रांसफॉर्म आ जाए, वो ट्रांसफॉर्म इनकी जिंदगी में, क्योंकि एक नई शुरुआत लेकर आएगा, प्यार लेकर आएगा, वो इमोशंस इन्हें मिलेंगे जिस इमोशंस को ये पर्सन लेकर अपने
आपको एकदम खाली देख रहे हैं। तो ट्रूली यहाँ पर ये पर्सन आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बेइंतहा अट्रैक्टेड हैं, और वही अट्रैक्शन इस इंसान को इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के लिए, ब्रांड न्यू बिगनिंग करने के लिए, या इस नई शुरुआत को लेकर उम्मीद जगाने के लिए ने बोल रहा है, और ये जगा भी रखी है इन्होंने, इसे बुझा नहीं रखी। ट्रूली इवन ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ये ना बिना आपके या बिना इस तरह की नई शुरुआत के एकदम इमोशनली वे में अकेले पड़ गए हैं और अकेली ही पड़ जाएंगे। ये दूर जाकर भी पूरी तरह से आपसे दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका मन, इनका दिल, इनकी फीलिंग्स, इनकी उम्मीदें सब वहीं पर अटकी पड़ी हैं। तो भला ये पर्सन कैसे आपसे मूव ऑन कर पाएंगे, या भला ये कैसे आपसे अपने आप को दूर रख पाएंगे, या और कितने वक्त ये आपसे अपने आप को दूर रख पाएंगे, तो वो सभी चीजें इस इंसान के दिल में चलते हुए दिख रही हैं। लेकिन किसी तरह का तो गिल्ट है जो इस इंसान को खा रहा है, जो इन्हें परेशान कर रहा है, जो इस इंसान को ना तो खुद से आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ दे रहा, और ना इस इंसान को आप को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए वो स्ट्रेंथ दे रहा। इसीलिए ये पर्सन ना बजाए यहाँ पे जो ये चाहते हैं आपसे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से, बजाए उसे आगे से आकर बोलने के, या बजाए उसे आगे से आकर एक्सेप्ट करने के, ये अपने आप को अपने आप में रख रहे हैं। ठीक है, एज एन कि इनका अपने आप में रहना इस गलती के बाद, इस चीज के बाद इनके लिए यही सही है। किसी तरह से तो इस इंसान ने इस रिश्ते में ना ट्रांसफॉर्म लाया, वो ट्रांसफॉर्म जो भी था ना वो इन्हें गिल्ट में लेकर जा रहा है, और वो ये ऐसा गिल्ट है ना व्यूअर्स, आपको भी पता है कि गिल्ट एक ऐसी चीज है जो इंसान को ना सोने देती, ना बैठने देती, ना खाने देती सही तरीके से। तो वही गिल्ट इस इंसान को आगे ना बढ़ने दे रहा, ना पीछे लौटने दे रहा। तो किसी एक ट्रांसफॉर्म तो वो था जो इनके गिल्ट से जुड़ा हुआ है, जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, और एक ट्रांसफॉर्म यहाँ पर उसकी बात हो रही है जो ये अब चाहते हैं सब चीजों को सही वे में करना। तो दो तरह के बदलाव के बारे में ये पर्सन ट्रूली सोच रहे हैं, जिसे कहीं ना कहीं चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे। रीजन इज दिस कि भाई इतना करने के बाद तुम अब भी ये चाहते हो, तुमने इतना बुरा करा, इतनी चीजें खराब करी, बर्बाद करी, अब भी तुम ये चाहते हो, और वही चीजें इस इंसान को यहाँ पर अपने आप में रहने के लिए ज्यादा बोल रही हैं। आपने कहीं ना कहीं ये चीजें नोटिस करी होंगी, इस इंसान के बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है ये जो भी मूड स्विंग्स है ये कभी कभार होते हैं, ये जो भी है ना ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। इनके स्टेटस से, इनके जेस्टर से, इनके ब्लॉक अनब्लॉक करने से आपको ये चीजें कहीं ना कहीं फील भी हो पा रही होंगी इन एंड आउट करने से। या अगर आपको फील नहीं हो रही है तो यहाँ पर ये कैसी एनर्जी है कि इस इंसान के अंदर जो आपको लेकर ट्रूली चल रहा है ना, वो सभी चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा उतावला कर रही है, काफी ज्यादा बेचैन कर रही है, इस अकेलेपन में रहकर भी इस इंसान को तोड़ रही हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी है, इस अकेलेपन में रहकर ये इंसान एकदम से उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच रहे हैं, जैसे कब तक ये यूं ही अकेले रहेंगे, कब इनकी जिंदगी बदलेगी, कब इनकी जिंदगी में बदलाव आएंगे, ट्रांसफॉर्म जिसको लेकर इन्हें उम्मीद है, ये उम्मीद बांधे हुए हैं या ये बांधना चाहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये चीजें हैं यहाँ पे, इस स्टेट ऑफ माइंड में आपके पर्सन इस वक्त में ट्रूली हैं। अब देखते हैं टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कुछ डाउट्स को। राशियां ऑलमोस्ट सभी बता दी, नंबर्स ऑलमोस्ट सभी बता दिए, एक और चीज कहना चाहूंगी व्यूअर्स, देखिए कॉल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाह रहे हैं ना, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा, आप कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो किस टाइम कॉल कर रहे हैं। कुछ लोग रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसे कॉल कर रहे हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा समझिए, अगर आपको अपनी बात सामने वाले को समझानी है तो कहीं ना कहीं आपको भी सामने वाले की बात समझनी होगी। ठीक है, मैं 24 घंटे की फैसिलिटीज नहीं देती हूँ कि 24 घंटे में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है, एक टाइम लिमिटेड है जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखेगा, लेकिन प्लीज आप उस चीज को ना पॉज करके अच्छे से पढ़िए, जस्ट नंबर मत पढ़िए, बहुत सारी चीजें उसी में मैंने लिख रखी हैं। तो थोड़ा सा समझिए, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए वो भी एक बार को चलेगा कि आप देर रात भी कर रहे हो व्हाट्सएप पे मैसेज, लेकिन कॉल तो भाई बिल्कुल अलाउड नहीं है, प्लीज थोड़ा सा समझिए इस चीज को, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए। ट्रूली व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन से अब क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर अब कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। वाव लवर्स, ट्रूली ये पर्सन आपसे जुड़े हुए रिश्ते में वो स्पार्क महसूस कर रहे हैं इस वक्त में भी, जो कभी एक वक्त में हुआ करता था, जो आपको भी फील होता था, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जब करीब आते थे एक दूसरे के, चाहे फोन पर या फिर वैसे भी, तो एक धड़कनों का जो तेज हो जाना था या एक कंफर्ट जैसा फील होना था, तो वो सभी चीजों को लेकर ये पर्सन ना अट्रैक्टेड हैं, और वही अट्रैक्शन, वही फीलिंग्स, वही जज्बात इस इंसान को इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के लिए ने बार बार बोल रहे हैं, एज इन कि ये ज्यादा वक्त अकेले नहीं रह पाएंगे, इनसे मूव ऑन नहीं हो पाएगा, इन्हें आप ही का साथ चाहिए, इन्हें इसी कनेक्शन में रहना है, ये कनेक्शन इन्हें बुला रहा है, ये इस कनेक्शन के बिना बहुत अधूरे पड़ जाएंगे, बहुत अकेले पड़ जाएंगे, सब कुछ होकर भी कुछ भी इनके पास नहीं बचेगा, तो वो चीजें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। किसी बात को लेकर तो यहाँ पर अड़ियलपन भी है, क्योंकि मुझे एक सिर्फ मात्र गिल्ट ही यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, क्योंकि जब इमोशंस इतने ज्यादा इंटेंस लेवल पर हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली कुछ और भी चीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, जिस रीजन की वजह से ये पर्सन इतने इंटेंस लेवल पर फीलिंग होने के बावजूद भी अपने कदम रोके हुए हैं या पास्ट में ज्यादा अटके पड़े हैं। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या बनी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं अब व्यूअर्स के पर्सन, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। भाई टू ऑफ कप्स आ गया, द लवर्स आ गया, ये पर्सन ना कहीं इस चीज को लेकर ज्यादा उम्मीदें बटोर रहे हैं कि एक दिन इनकी जिंदगी में बदलाव आएगा, इस रिश्ते में बदलाव आएगा, जो ये उम्मीद रख रहे हैं, जो ये उम्मीद चाह रहे हैं वो डेफिनेटली पूरी होगी, इन्हें आपका साथ फिर से मिलेगा, भले इन्होंने इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें बर्बाद कर दी, बदल दी, उसका गिल्ट, उसका बोझ भार इनके सर पे है, इनके कंधों पर है, लेकिन स्टिल इन्हें ये इस चीज की उम्मीद है कि ये कनेक्शन अगर इनके दिल में, इनके मन में अभी भी जिंदा है ना, अगर ये अभी भी उम्मीद जगाए हुए है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इनसे, इस रिश्ते से कुछ चाहती है, या यूनिवर्स इन्हें मैसेज देना चाह रही है कि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म आएगा ही आएगा। तो ये पर्सन इस वक्त में भी ना, जैसे कि होता है इंसान अपने आप को हल्का करने के लिए, अपने मन को, अपने स्ट्रेस को हल्का करने के लिए कुछ इस तरह से अपने आप को समझा रहा है या समझा रही है, अपने आप को समझाने की कोशिश करी जा रही है इनके थ्रू, तो ये यहाँ पर है। चाहे तो फिर ये कह सकते हो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है, अगर आप सच में इस कनेक्शन में अब अपनी तरफ से नहीं आना चाहते हो, या फिर ये कह सकते हो इस इंसान का भरोसा है जो इन्हें यहाँ पर बार बार इस चीज की उम्मीदें दिखा रहा है इनके, या इस तरह की उम्मीदें बंधवा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है अभी इस वक्त की, सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे ना एक गिल्ट के पीछे की वजह मुझे दिख रही है, वॉक अवे करना, चीट करना, धोखा देना, बिना क्लैरिटी दिए चुपचाप चले जाना, आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी अपनी साइड से छोड़ना, बहुत सारे ब्लेम्स आपके ऊपर लगाना, या बहुत सारी चीजें अब आपके ऊपर थोपी जाना,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस इंसान ने ना सिर्फ केवल वॉक अवे करा या ना सिर्फ केवल इस रिश्ते को छोड़ा, इन्होंने उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करी या इवन अब भी करते आए हैं जिसमें आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, नेगेटिविटी ही उगली जा रही है, सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो ये रीज़न बन रहे हैं यहाँ पे इस इंसान का ना एक नई शुरुआत की इच्छा डेवलप तो हो रही है और बट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि नई शुरुआत करने की इच्छा है लेकिन वो गिल्ट बार बार इस इंसान को इमोशनली वे में लो फील करा देता है कि या जो भी इन्होंने इस रिश्ते में नेगेटिविटी करी, जो भी इन्होंने आप पे ब्लेम्स लगाए, जिस भी तरह की इन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी या जिस भी तरह का इन्होंने यहाँ पे माहौल क्रिएट करा बनाया, वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पे व्यूअर्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी बोल रही हैं। वो सभी चीज़ें इन्हें अलाउ कर रही हैं कि इन्हें अपने आप को डिफेंड करके भी चलना है। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन ना रिस्क नहीं ले पा रहे ट्रूली इस रिश्ते में बढ़ने के चाहत होने के बावजूद भी। इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि अब आप दोनों एक दूसरे के शायद लवर नहीं रहे हो या एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो या प्यार करते हो लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं एक दूसरे के आमने सामने पहुंच चुके हो, एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन आपको यहाँ पर मानना है। और वही चीजें इस इंसान को यहाँ पर वो रिस्क लेने से रोक रही हैं जो रिस्क अब ये रिश्ता चाह रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली इस इंसान से ना अब मूव ऑन करा जा रहा और ना इस इंसान से अब यहाँ पर रुका जा रहा, उस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट टू फीलिंग्स के बारे में, बताइए डिवाइन प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट टू फीलिंग्स, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे ना अपने आप में रहने के पीछे का जो मकसद है इस इंसान का वो सिर्फ यही है कि समझ पा रहे हैं कि इन्होंने किस तरह का एक्शन लिया, मतलब आपके साथ क्या क्या करा और अब उस एक्शन का इन्हें किस तरह से रिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि इनके करे हुए का जवाब आप किस तरह से ले सकते हो या किस तरह से दे सकते हो, वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पे अकेला कर रही हैं, अकेला रहने के लिए बोल रही हैं या फिर ये कह सकते हो फीलिंग्स और जज्बात होने के बावजूद भी खुद ही उन फीलिंग्स उन जज्बातों का गला खोटने के लिए इन्हें बोल रही हैं। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ है। तो जो भी इन्होंने एक वक्त पे आपके साथ करा, चीटिंग करी, नेगेटिविटी यहाँ पे इंक्लूड करी या फिर इन्होंने वॉक अवे करा, जो भी इन्होंने करा वो सभी चीज़ें अब इन्हें ऐसी फील हो रही हैं, चाहे आप कर रहे हो या नहीं, लेकिन चोर को तो पता है ना, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इस चोर को तो पता है ना मैंने क्या क्या करा और अब उस चीज का क्या जवाब मिल सकता है, क्या रिफ्लेक्शन मिल सकता है। वही चीजें इन्हें इंटेंस लेवल पर इस वक्त में फील हो रही हैं और वही चीजें इस इंसान को अकेले रहने के लिए बोल रही हैं। हालांकि वो अकेलापन खुद को खाए जा रहा है, अकेला इंसान तो अपने आप ही पागल हो जाता है, ये ना अकेले रह रह के पागल हो गया, वैसे कुछ नहीं था इसमें, वैसे तो सही था, अच्छा खासा था, बोलता था, लेकिन अकेले रहकर इंसान ये पागल हो गया। तो वही चीजें इनकी हो रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट टू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई हैं, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए बताइए प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वैंड, देखो यहाँ पे एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि, ये पॉसिबिलिटीज है गिल्ट के पीछे की वजह, मतलब कि इस इंसान ने इस रिश्ते को इतना सीरियस वे में लिया ही नहीं जितना आप लेकर चल रहे थे, एकदम प्लेफुल वाली एनर्जी में थे, एज एन मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, पार्टीज करेंगे, डेटिंग करेंगे, लेकिन एक सीरियसनेस जो रिश्ते में चाहिए होती है, एक मैच्योरिटी जो इस रिश्ते में चाहिए होती है, वो इस इंसान ने शुरू से नहीं दी। अब हालांकि वो चीज़ें इनके दिल में डेवलप हो रही हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, लेकिन एक जो एक मैच्योरिटी से, जिम्मेदारी से रिश्ता निभाना होता है ना, वो इन्होंने शुरू में करा ही नहीं और इसी रीज़न की वजह से इस रिश्ते का एंड हुआ, ये रिश्ता मरा।
जिस चीज का गिल्ट इस इंसान को हो रहा है और जो गिल्ट ही इस इंसान को आने नहीं दे रहा। भाई वॉक अभी करा है तो ऑब्वियसली इन्होंने एक प्लेफुल एनर्जी में इस रिश्ते से दिल लगाया, बस चिल करने के लिए इन्होंने रिश्ते में अपने आप को इन्वॉल्व करा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये जो भी रिश्ता है ये इनके लिए कब किस पल में इतना खास बन जाएगा, या ये रिश्ता इन्हें कब किस पल में इतना अट्रैक्ट कर जाएगा कि इनके मन को इनके दिल को सबके सुकून को इनसे छीन जाएगा, ये तो इन्हें पता नहीं था। यानी कि साथ रहकर इन्हें आपसे इस कदर प्यार हो गया, वो प्यार ही इस इंसान को यहाँ पे पूरी तरह से रेस्टलेस कर रहे हैं। तो ये चीजें ये पर्सन ट्रूली फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब ये पर्सन इस एनर्जी इस फीलिंग इस एहसास के साथ आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी फीलिंग्स इन सभी एहसास के साथ व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए डिवाइन। Nobody compares to you. तो अब ये पर्सन हो सकता है आपसे बाहर निकलने के लिए कोशिश हर वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन इनकी वो कोशिशें जब इन्हें नाकामयाब होती हुई दिख रही हैं, तो अब ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जान गए हैं समझ गए हैं कि आपका कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता। आई विल नेवर लेट यू गो, और यही कंपैरिजन इस इंसान को ट्रूली ये समझा रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। या इन्होंने अगर आपको जाने देने की भूल करी ना तो अब ये जाने नहीं देंगे आपको। आई ड्वेल इन मेमोरीज ऑफ यू, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ये ना डूबे जा रहे हैं आपसे जुड़ी हुई यादों में, वो यादें जो इन्हें इमोशनली वे में कभी पूरी तरह से भर जाती हैं तो कभी पूरी तरह से इन्हें खाली कर जाती हैं। You are like a gift from heaven, कहना चाह रहे हैं समझ रहे हैं कि आप तो इनकी जिंदगी के वो तोहफे थे जो इन्हें heaven से स्वर्ग से मिले थे। You are on my mind all the time, तो हम हालांकि अभी की पढ़ रहे हैं यहाँ पे रीडिंग जो कर रहे हैं, तो आपसे कह रहे हैं आप इनके दिमाग में हर वक्त चलते रहते हो, हर पल हर घड़ी आप इनके दिमाग में चल रहे हो। चलिए ये देखते हैं अब इस विषय में आपके आर्केंजल्स आपके पितृदेव आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं, उनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, प्लीज स्प्रेड गाइड माउंटेन शमन एंड स्टैग। भरोसा, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भरोसा ना सिर्फ केवल इस इंसान पर से हटा है, आप कहीं ना कहीं अब अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने हालातों पर या आप इस चीज़ पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि कभी मेरे हालात मेरी सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी भी या सुधरेगी भी या नहीं। तो आपके आर्केंजल्स यहाँ पे आपसे ये बोलना चाह रहे हैं सबसे पहले तो आपको अगर कुछ करना है ना तो अपने आप पर भरोसा करना है, क्योंकि यही चीजें आपको कमजोर कर रही हैं, यही चीजें आपको परेशान कर रही हैं। और अगर आपको अपने आप पर भरोसा डेवलप करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना होगा। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर चीजें आपको अपने आप खुद ब खुद चेंज होती हुई बदलती हुई नजर आनी शुरू हो जाएंगी। देखो अगर आप अपने लिए खुद से स्टैंड नहीं लिया तो आप दूसरे से क्या उम्मीद करते हो कि दूसरा आपके लिए स्टैंड ले। तो सीधी सी बात है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना तो सीखना होगा। जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको ना अपने फेवर में आती हुई भी दिखेंगी। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई हम अपने लिए कैसे स्टैंड लें। देखो ये आपकी सिचुएशन है जिससे आपको लड़ना है, जो आप समझे हो, जिसे आपने फेस करा है, जिसे आप फेस कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई अब यहाँ पे मैंने बहुत लंबे समय तक सीधी उंगली का इस्तेमाल करे रखा, अब मुझे जरूरत है तो अपनी उंगली को टेढ़ा करने का, अपने आप को हील करने का। तो ये सभी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उसी कैलकुलेशंस के बेस पर आप यहाँ पर अपने लिए कुछ कर पाओगे। तो ये चीजें आपके आर्केंजल्स आपसे बोल रहे हैं, बजाय रोने के परेशान होने के कुछ करो, तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली
थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक नहीं करा, तो व्यूअर्स जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।